वेलकम बैक एक नए व्लॉग में। आज जा रहा हूँ मैं आपको बहुत गैंड किस्म की चीज़ दिखाने, बिकॉज इट इज़ ए स्कैचू। ये एक बहुत ही पॉपुलर फेमस स्कैचू है इन लिस्बोन सिटी पुर्तगाल में। सो लिस्बोन से अगर आप आओ तो ये अल्माडा में है, और लिस्बोन से आपको लगेंगे 20 मिनट, अराउंड अबाउट 20 मिनट लगेंगे गाड़ी की ड्राइव के साथ। इस स्कैचू का जो असल नेम है वो है क्रिस्तो दे राय, क्रिस्तो राय भी कहते हैं, और इसको सैन फ्रांसिस्को भी कहते हैं, इसको सैन फ्रांसिस्को टावर भी कहते हैं। ये है बेसिकली इन अल्माडा में। अल्माडा जो है वो सिटी है लिस्बन के साथ। अगर आप लिस्बन की तरफ से इस स्कैचू को देखने के लिए आओ तो फिर आपको लगेंगे 20 मिनट गाड़ी की ड्राइव के साथ, क्योंकि ये है अराउंड अबाउट 15 और 16 और 17 किलोमीटर। अगर आप ओपन ट्रांसपोर्ट के साथ आते हो तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है लिस्बोन में, अल्माडा में। सो डैट्स वाई आज मैं जा रहा हूँ आपको ये स्केचू दिखाने, जो आप फास्ट एंड फोरियस, आपने अगर फिल्म देखी है फास्ट एंड फोरियस की, ज़्यादातर फिल्मों में जो है वो इस तरह का स्केचू आता है। ये एक बहुत बड़ा और गैंड किस्म का स्केचू है, और ज़्यादातर जो है ये जो क्रिश्चियंस हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मकाम की हैसियत भी रखता है। सो डैट्स वाई अभी हूँ मैं ऑन द वे, और अभी हमें लगेंगे आई थिंक के 5-10 मिनट और चलते हैं। इट इज आल्सो ए सरप्राइज फॉर मी फॉर यू, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा स्केचू देखने जा रहा हूँ, और वो भी समंदर के किनारे। समंदर से मीन्स के यहाँ पे जो है वो सारी अट्रैक्शंस जो है ना अराउंड अबाउट इसके गिर्दो निवाह में भी जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, यानी कि आपकी उस स्केचू के जब आप उसके ग्राउंड फ्लोर पे होते हो तो आपकी नज़र जो है पूरे दरिया के ऊपर पड़ती है। इसके अलावा जो है आपकी नज़र फिर साथ में जो है वो बहुत बड़ा ब्रिज है, उस ब्रिज के ऊपर पड़ती है। फिर इसके अलावा लिस्बन का जो पोर्ट एरिया है सारा, उस पर नज़र पड़ती है। तो ये एक बहुत सोना और बहुत खूबसूरत और उमदा किस्म का जो है वो व्यू बनने जा रहा है। सो डैट्स वाई चलते हैं, साथ में हल्का सा करते हैं म्यूजिक को चिल, और इसके बाद फिर वहां पहुंच के करते हैं व्लॉग स्टार्ट। सो मेक श्योर कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शेपैक ट्रेवल्स में खुशामदीद। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैर अफिया से होंगे। आरा भाई एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आप में से जिन लोगों ने मेरी लास्ट वाली एपिसोड देखी हैं उनको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि भाई निकला हुआ है 1 वीक से यूरोप के टूर पे। यूरोप के टूर का आज है 2nd कंट्री, चूँकि 1st कंट्री जो था वो था स्पेन, और स्पेन के सिटी बेनिदुर में स्टे था 4 डेज का। आज है 5वां दिन टूर का, और दूसरी कंट्री आज पहुंचा भाई पुर्तगाल के सिटी लिस्बन में, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वाले व्लॉग्स में बताया हुआ है। अगर आपने वो लास्ट वाली एपिसोड्स, यूरोप ट्रिप की लास्ट वाली एपिसोड्स नहीं देखी तो आप पहले जाके वो देख सकते हो। ये मेरे पीछे आप सीन देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फास्ट एंड फोरियस 10 की जो वीडियो शूटिंग हुई थी वो बिल्कुल सेम इसी प्लेस के ऊपर जो है वो हुई थी। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये बड़े वाला वो ब्रिज है, और नीचे से ये जो दरिया है वो गुजरता है। इसके दूसरी जानब जो है वो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सारा लिस्बन सिटी है, और जिस जानब ये वाला यानी कि पुल के इस जानब, ये अल्माडा सिटी है पुर्तगाल का, और इसके सेंटर में से ये रिवर गुजरता है। एक जानब जो है वो सी है, और दूसरी जानब जो है वो भी समंदर है, और ये सारे व्यू हैं। ये क्या इसका नाम वैसे जो है वो सैन फ्रांसिस्को कहते हैं इसको। ये कॉपी की गई है जो ब्राज़ील में एक इन क्रिश्चियंस का जो है ना, ये जस्ट लाइक समथिंग इम्पोर्टेंट है, वो अभी हिस्ट्री जो है इन्होंने इधर वो लिखी हुई है जो पुर्तगेजिश है इस लैंग्वेज में। सो डैट्स वाई मैं सारी वो रीड नहीं कर पाया, लेकिन उसकी पिक्चर्स जो हैं वो मैं आपको ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, आप उसकी जो हिस्ट्री है वो भी जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये सेम वही प्लेस है जो आपने फास्ट एंड फोरियस 10 में जो है ना वो देखी हुई है, जहाँ पे फास्ट एंड फोरियस 10 की वीडियो शूटिंग हुई थी, सेम ये जस्ट वही प्लेस है। यहाँ से अगर आप इस जानब देखो, ये मेरे पीछे ये सेंटर से बहुत बड़ा, ये जो है वो बहुत बड़ा एक ब्रिज है लोहे की, या जस्ट लाइक जैसा नज़र आ रहा है
नज़र आने से तो सेम जस्ट लाइक जो है वो लोहे की नज़र आता है, और इसके पीछे वो लेसबोन की जानब सारा समंदर के ऊपर ऊपर जो है वो सारा इन्होंने जो है वो पोर्ट बनाया हुआ है। इसके अलावा जो यहाँ जो यूरोप ट्रिप के क्रॉइस शिप निकलते हैं उनका जो स्टे है वो भी यहाँ पे होता है। अभी उस जानब एक जो है वो यूरोप का जो टूर पे निकला हुआ है क्रॉइस शिप है वो अभी वहाँ पे खड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर जब मैं उस साइड पे जाऊँगा तो आपको उसका जो है वो व्यू दिखाऊँगा। सबसे पहले आप ये देखें कितना खूबसूरत जो है ब्रिज बनाया गया, और इसकी ये जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार, ये इस ब्रिज के ज़रिए एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। उसकी वजह ये है ऊपर से जो है वो गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, यानी कि ऊपर से जो है वो गाड़ियां गुजरती हैं, जबकि इसके नीचे से अब इसकी दो मंजिलें आपको नज़र आ रही होंगी, निचली मंजिल से जो निचले वाली सतह है वहाँ से ये जो ट्रेन है वो गुजरती है। अभी वो देखें एक ट्रेन आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि जूम करके आपको दिखाऊँ। और इसके साथ आप ये छोटे वाला रोड देख रहे हो ना, जहाँ से वो पता है जब वो कर रहे होते थे ना राइड कर रहे होते थे फास्ट एंड फ्यूरियस में, उनकी राइड बिल्कुल इसी जो है छोटे वाला जो है ना इधर साथ एक छोटे वाला रोड नज़र आ रहा है आपको, ये कनाल के बिल्कुल रिवर के साथ साथ आता है, यहाँ से फिर इधर ऊपर की जानब आ जाता है। और ये वो मेन रोड है जिस रोड के ऊपर जो है इन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस वाले सारे जितने भी हीरोज और विलन थे उनकी जो राइड हुई थी वो इसी ये वाला जो बड़े वाला ब्रिज है इस ब्रिज के ऊपर से हुई थी। सबसे पहले उन्होंने वो आपस में जो है वो शर्त लगाई होती है, वो उस साइड से कनाल के रिवर के साथ साथ आते हैं और यहाँ से फिर उस छोटे रोड से गुजरते गुजरते फिर यहाँ से मेन रोड के नीचे से गुजर कर और यहाँ साथ में एक छोटे वाला रोड है वहाँ से ये इधर फिर ऊपर आते थे, और ऊपर ये जहाँ पे ये सैन फ्रांसिस्को वाला जो है ना टावर है यहाँ पे आगे फिर उनका जो राइड है और जो उनका डेस्टिनेशन था वो ये था। फर्स्ट टाइम मैंने इधर जो है ना ये ओलिवन के जो पेड़ हैं जो दरख्त हैं वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है इधर जो है ना वो ये सारे ओलिवन जो हैं वो ओलिव वो ख़राब लगते हैं मुझे, मे बी यहाँ पे वो जैसे सेफ्टी के लिए स्प्रे वगैरह करते हैं ना, किसी ने इधर स्प्रे ही नहीं किया। ये जो मुजस्मे हैं ये पुरानी हिस्ट्री को जो है ना वो उजागर करते हैं, और ये बिल्डिंग जस्ट लाइक अपना एक अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन आज कोई भी फ्लाइट यहाँ पे जो है वो टेक ऑफ नहीं करेगी। ओ भाई तू गलत जा रहे हैं एयरपोर्ट तो इतने वे चली, ये व्यू चेक करें आप, बाबे री साडे नाल हो रहे नाराज़ ने परा मुँह किया ना, ये इंट्रेंस है और यहाँ से आप जो है वो दाखिल होते हो। तो कल जब मैं यहाँ से गुजर रहा था ना, ये साथ वाला जो मैंने पीछे यहाँ पे आपको एक बड़े वाला ब्रिज दिखाया ना, जब मैं उस ब्रिज से गुजर रहा था तो मैंने फील किया कि यहाँ पे ये बहुत बड़ी जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, सो डैट्स वाई ये बहुत अच्छे वाला टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे चलेंगे टुमारो। इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने एक जस्ट लाइक कंटीन कैफेटेरिया जो है वो भी बनाई गई है, अगर किसी को प्यास लगे भूख लगे स्नैक्स खा सकता है, ड्रिंक ले सकता है, पानी पी सकता है। फवारों के बिल्कुल पीछे ये टावर सैन फ्रांसिस्को वाला, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट किस्म की जो है ना डिज़ाइनिंग इस टावर के ऊपर की गई है। अच्छा लगता यूँ है कि क्रिश्चियंस के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो मुकाम है।
दरवाजा जो है ये इन्होंने बंद किया हुआ है। इसके मुतरादफ दूसरी जानब जो है वो एक दरवाजा है जहाँ से टूरिस्ट अंदर जाते हैं। अंदर जाने का इरादा तो था लेकिन इस तरफ जो है ना ये बहुत लंबी कतार लगी हुई है। मैंने चूंकि अभी जाना है आगे और आगे के जो हैं वो भी पॉइंट्स डिस्कवर करने हैं, यानी कि जस्ट लाइक जो पोर्ट है यहाँ पे लिस्बन का, वहाँ पे जाना है अभी। बिल्कुल वही क्रॉस है जो फास्ट एंड फ्यूरियस में दिखाया गया है। और इसके साथ ये आई थिंक ये यसू वाला जो है यहाँ पे जो है वो जस्ट लाइक इमेजिन करो ये कितना खूबसूरत व्यू है। साथ उस तरफ जो है वो लिसाबोन है, इस तरफ अलमाड है और ये पॉइंट है वो टावर वाला। और यहाँ से कितनी खूबसूरती है, ये सेंटर से रिवर गुजरता है और वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा लिसबॉन सिटी है। ये कितना खूबसूरत जो है ना व्यू है यहाँ से। मगर जो इस टावर, अगर ये टावर के ऊपर जाने का कोई रास्ता होता और ऊपर कोई ऐसी जगह बनी होती जहाँ से इंसान जो है वो देख सकता होता, तो आप इमेजन नहीं कर सकते, आप इमेजन नहीं कर सकते कि कितना खूबसूरत व्यू जो है ना वो यहाँ से नज़र आना था। तो ये था भाई व्लॉग और ये वही जगह है जहाँ पर फास्ट एंड फ्यूरियस का वीडियो शूटिंग जो है वो किया गया हो। या मेरे पीछे ये जो टावर देख सकते हैं और ये सारी क्राइस, ये सारा मतलब कि ये सारा ग्राउंड जो है, और इसके साथ जो मैंने आपको ये वाला साथ में जो रिवर दिखाया और ये वाला रिवर, और रिवर के साथ साथ ये जो बड़े वाला ब्रिज है और ब्रिज के साथ रिवर के साथ जो रोड जो ऊपर आते हैं जिस पे जो है वो उन्होंने फास्ट एंड फ्यूरियस वालों ने यानी कि हीरोज़ और विलन ने राइड की थी, ये जस्ट लाइक वही रोड्स, वही कनाल और वही जो है ब्रिज है। और इसके बाद ये सन फ्रांसिस्को वाला जो है वो टावर है। होपफुली ये आपको व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जो है वो बिल्कुल मस्ट है और इंस्टा पे फॉलो भी जो है वो मस्ट है। तो चले मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में।